मोदी सरकार की ओर से बनाए गए किसान विरोधी बिलों के चलते किसानों की ओर से आज भारत बंद की कॉल के चलते पठानकोट में बंद का काफी असर देखने को मिला। किसानों ने भी खुद जाकर दुकानदारों की दुकानें बंद करवाई। बता दें कि लोगों का भी इस बंद को लेकर अपना पूरा समर्थन किसानों को दिया गया। उधर पठानकोट के लड़पालवा टोल प्लाजा पर किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ रोष किया। वे कहा कि जब तक मोदी सरकार यह काले बिल वापस नहीं लेती उनका संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। उधर पुलिस प्रशासन ने भी इस बंद को देखते हुए पुख्ता प्रबंध किए ताकि किसी को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जनसेतु के लिए पठानकोट से अशोक कुमार की रिपोर्ट। किसान संयुक्त किसान मोर्चे वालों 26 तरीक की जो कॉल आई है, क्योंकि ये जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी है ये कन्ना से जू नहीं सरक रही, इन्हों हिलाने वास्ते जगाने वास्ते अज 26 की 4 महीने सू हो गए सड़क बैठे दिल्ली आ गए इतने बरूह में यह साड़ी गल नहीं सुन रहा। वो रोस वजो अच्छ 26 की पूरे भारत बंद की कॉल दी भी आ। सो अच्छ रोस वजो पूरा अपना टोल प्लाजा रशपालमा टोल बंद किया हुआ वा। अपना शहर भी बंद करवा रहे हैं, छोटे छोटे अड्डे भी बंद करा रहे हैं। लोग आप मुहारे ही इस तो दुखी हैं, आप ही बंद कर रहे हैं। सो लोगों के सहयोग द्वारा जो किसानों ये तसीहे दे रहा तंग कर रहा वो रोस वजह अं पूरा टोल प्लाजा बंद किया है। मोदी वालों तो क्या जा रहा है, एक फोन कॉल की दूरी है किसानों का। सर वह कड़ा फोन कॉल है जो एक कॉल से बैठा वा, ये उसे बरूह घर जाके बैठे हाँ, सानू फोन की लड़ ही नहीं। सूँ घर आपे बुलाए थे गल करे वह इस हैंकड़बाजी आ। अंदरों अंदरों सारा कोई जानता भी आप गलत हाँ, पर एक हैंकड़बाजी का हंकारिया होया वा, इस करके वो इन गल नहीं सुन रहा। अंत अखीर उन्होंने इन्हों की गल मनने ही पैनी आ, क्योंकि किसाना एक वधिया लोगों अन्न पैदा करने वाली जमात आ। हरेक समाज वेखो इन्हों जुड़िया हुआ, वधिया पढ़े लिखे वकील जज साहबान इन जुड़े हैं, लिखण राइटर तुहाडे वेखो प्रेस पूरा उन्होंने सहयोग दे रहा, क्योंकि सच की आवाज़ आ। वो झूठा आ, हरेक थान झूठ बोलता, हुण भी हरेक झूठ बोल मेरे किसान नाल, मेरे किसान मान रहे हैं, चार पाँच बंदे अपने यूनियन इकट्ठे करके देता भी किसान मेरे नाल, जबकि बिल्कुल ये झूठ है। सच्चाई कोहां सच्चाई तो कोहां दूर बैठा हुआ। सो उन्हूं सच की आवाज़ सुननी चाहिए आ, इन्हें पब्लिक की आवाज़ सुन के लोगों सही फैसला करना चाहिए। अज सारे हिंदुस्तान भारत के 26 तरीक नूं किसान मजदूर मेहनतकश लोगों के वलों जिहड़ा भारत बंद किया जा रहा, क्योंकि मोदी ने जिहड़े 3 काले कानून जिहड़े पास किए सीगे और उहदे विच एक कानून उन्हें लागू भी कर दिता वा जिहड़ा जिहड़ा सी स्टाकिस्टां नूं एक ये खुल देण दा भी जिन्नी मर्जी ही वो अपनी मर्जी दे नाल अपना अनाज जिहड़ा वा वो जिहड़ा वो स्टाक कर सकते आ। उस अंबानी अंडानी ते बाबा रामदेव ये 3 बंदे आ जिन्हां ने 50 तों वध जिहड़े आ वो खेती नाल संबंधित जिहड़े जिहड़े कानून है वो वख वख स्टेटां दे विच उन्होंने जिहड़ा रजिस्टर्ड करवाए ने। इस वास्ते ये सारा जिहड़ा मसला वा ये निरा किसानां दा नहीं है, इहदे च ज़्यादा खपतकार जिहड़े आ वो जिहड़ा उहदा नुकसान उठाउणगे, क्योंकि जदों अनाज जिहड़ा वा कारपोरेट घराणियां दे हत्थां च आ गया तो निरसंदेह आटा जिहड़ा वा वो 100 रुपया किलो तों घट नहीं विकण लगा। जिवें कि पिछे जे मोदी सरकार उन्हां ने एक गल कही कि भाई आ जिहड़े पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां जिहड़ियां वध गईआं ने इह साडे वस च नहीं गा, ये जिहड़ियां कंपनियां जिहड़ियां ने वो उन्हां दीआं उहदे उन्हां दे वस विच वा। इस तरह ही कल नूं इह खेती नाल संबंधित वस्तां जिहड़ियां ने उहदे बारे भी कह सकदे आ भी ये मोदी अंबानी अंडानी ते दूसरा साडा रामदेव जिहड़े आ 3 जिहड़े आ इह इन्हां दी मर्जी दे उत्ते निर्भर करदा वा। इस वास्ते इह जिहड़ा आम खपतकार जिहड़ा वा उहदे वास्ते बहुत ही भयंकर तौर ते जिहड़ा वा आउण वाला दौर जिहड़ा खतरनाक हो जाएगा। इस वास्ते अज सारे मजदूर किसान मुलाजम किरत करन वाले लोग जिहड़े आ उह जिहड़े आ उह अज भारत बंद दे विच शामिल हो रहे आ। और इहदे विच लाजमी गल आ, एक गल असीं जिहड़ी बार बार कहिंदे आ कि ये हिटलरवादी सरकार आ, मोदी दी सरकार जिहड़ी आ हिटलरवादी आ। जिस तरह हिटलर नूं अखीर दे विच आत्म हत्या करके मरना पिया सीगा उस तरह इन्हां दी वारी भी आ, लेकिन अज जिहड़ा वा चेतन जिहड़ा असीं पंजाब जिन्ने जिहड़ा वो राह दिखाया वा सारे हिंदुस्तान भर दे विच जिहड़ा वा वो ये मैसेज गया वा कि जिन्ना चिर घट्टो घट समर्थन मुल दा कानून जिहड़ा वा वो पास नहीं किया जाता जिस तरह वो सरकारां कह दिंदियां ये इहनू जिहड़ा अगे ही लागू आ, लेकिन असीं एक गल कहिंदे आ कि जिहड़ा इस नूं कानूनी रूप दिता जाए।
तो दूसरा जिहड़ियां दो मंडियां दी गल करदे आ कि एक सरकारी तो एक अंडानी दी, एक गलत है। इको मंडी रवे, अंडानी भी उतों, अंबानी भी, रामदेव भी उतों ही अनाज खरीदे, तो जिहड़ा वो जिहड़ा बनता वा उहदा हिस्सा पत्ती जिहड़ा वा वह देवे, तां जो जिहड़े पिंडां दे विच जिहड़ी डिवेलपमेंट हैगी आ वह मंडी बोर्ड के राही जिहड़ी आ पूरी हुंदी आ। इस वास्ते अज असीं सारे जणे रल के वख-वख विचारधारा के लोग जिहड़े आ इकट्ठे हो गए और जिहड़े अज इस बंद विच शामिल हो रहे हैं, और असीं आस करदे हां कि जे मूवमेंट होर तिखी हो गई तो यह हिटलरवादी टोला जिहड़ा वा इहनूं भी आप नूं गोली मार के मारन मरना पएगा, यही राह हैगा। कोड निखुटे नानका ओड़क सच रही। मोदी सरकार जिहड़ी 100% झूठ ते तुरी हुई आ उसनूं सच दे अगे झुकना ही पैना। ये किसानां दा जिहड़ा इम्तिहान लै रही आ, पर मैनूं पूरा यकीन है कि किसान जिहड़े आ जित्तणगे, मोदी सरकार हारेगी। मोदी दे काले कानून वापस कराउण वास्ते दिल्ली बार्डरां दे उत्ते किसान बैठे ने। अज 26 तरीक नूं संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों भारत बंद की कॉल दित्ती गई सी। असी पठानकोट जिले के वख-वख कस्बियां, शहरां, पिंडां दा दौरा कीता, लोकां ने आप मुहारे बंद कीता, पूरा समर्थन दे रहे ने किसानां नूं। सारयां नूं इस गल दा पता है कि किसानी ही एक मूल है, तो ये नाल ही सारे जिहड़ियां चीज़ां जुड़ियां होईयां ने, सारे व्यापार, सारे काम काज, सारे जो कुछ भी अर्थव्यवस्था हैगी है वह सारी किसानी दे नाल जुड़ी आ। इहदा जिहड़ा असर आ इन्हां काले कानूनां दा, जिहड़े भी लोग अनाज खांदे ने, रोटी खांदे ने, उहनां दे उत्ते पैण वाला है। तो असी पूरा तहैया किया होया किसानां ने कि जिन्नी देर ये काले कानून वापस नहीं होंदे उन्नी देर असी ये मोर्चा वापस नहीं लैना, और किसान जड़े ने सरकार नूं पूरी तरह मिट्टी दे मिला के अपना संघर्ष जित के वापस मुड़नगे दिल्ली तो। उस समर्थन दे वास्ते पंजाब दे लोकां ने नहीं सगों सारे भारत ने अज किसानां दे समर्थन दे विच जिहड़े आ भारत बंद कीता होया। अज भारतीय जथेबंदियां वालों भारत बंद की कॉल की हुई है, जो इस नूं मुख रखदे होया SSP साहब के दिशा निर्देश अनुसार आम जनता की सहूलत लई, जिवें कि जरूरी वस्तां दी चीज़ा जां कोई एंबूलेंस वगैरह उन्हां नूं डाइवर्ट की हुई है सारी, अपना ट्रैफिक कि किसी नूं परेशानी ना आ सके।